देवियों सज्जनों, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के YouTube चैनल UOU लाइव में। मैं डॉक्टर नमिता वर्मा अर्थशास्त्र विभाग से आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से डॉक्टर भाग्यश्री जोशी और डॉक्टर रुचि तिवारी। इनके जो डिपार्टमेंट है वो एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, डिप्लोमा कोर्स। आइए आज हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रुचि तिवारी और डॉक्टर भाग्यश्री जोशी आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू डॉक्टर वर्मा। थैंक यू सो मच मैम। तो सबसे पहले सवाल मैं डॉक्टर रुचि तिवारी से करना चाहूँगी। मैम, क्या आप बता पाएंगी कि आपके जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, उसमें आप कौन सा कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं और इसमें कौन कौन बच्चा एडमिशन ले सकता है? जी बिल्कुल मैम, जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, वो इस सत्र से एक नया कोर्स, एक डिप्लोमा कोर्स लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो हमारा जैसे कि UGC की गाइडलाइंस के अनुसार हमारे डिप्लोमा कोर्स में कोई भी शिक्षार्थी विद्यार्थी जो MA साइकोलॉजी जिसने किया हो मिनिमम 55% के साथ, तो वो इसमें एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा UGC ने जैसे आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए जो 5% की छूट दी है, वो भी हमारे इसमें हम देंगे स्टूडेंट्स को। तो इसमें MA मैंडेटरी है कि साइकोलॉजी से हो? जी बिल्कुल, प्रेफरेंस हम MA साइकोलॉजी वालों को देंगे जी। और अगर हमारी सीट्स कुछ बचती हैं MA साइकोलॉजी के अलावा, मतलब अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने स्पेशल BEd या वो वर्किंग टीचर्स हैं, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो MA साइकोलॉजी को दी जाएगी। डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ये डिफाइन कर सकती हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद या आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? जी ज़रूर मैम, बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं इसमें। प्रोफेशनल बेनिफिट्स होने के साथ साथ जो भी कोर्स करेगा उसकी निजी ज़िंदगी में इसके बहुत बेनिफिट्स हैं ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये शब्द से समझ में आ रहा है कि आप ना सिर्फ दूसरे को, कहीं ना कहीं स्वयं को भी निर्देशित कर सकते हैं, अपने आप को भी काउंसिल कर सकते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमको कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं बहुत सारे, हम अंतर्द्वंद्वों में पड़ जाते हैं जहाँ पर हमें समझ में नहीं आता कि हमें रास्ता कैसे चुनना चाहिए। चाहे वो परेशानी सोसाइटी से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, आपकी एजुकेशन से या वोकेशनल कोर्सेज से रिलेटेड हो, तो कहीं पर भी आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने परिवार की और अपने समाज की मदद कर सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि हमें नहीं पता होता कि हमारा एप्टीट्यूड क्या है, तो हम बिना अपना एप्टीट्यूड जाने हम अपने कोर्सेज को चूज़ कर लेते हैं। हम अपने बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं कि आपको नहीं इसी फील्ड में जाना है, आपको डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है। तो ऐसे कोर्सेज करने के बाद आपके अंदर ये एबिलिटी आती है कि आप समझ सकें कि कौन सा एप्टीट्यूड वाला बच्चा कौन से काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। तो आप अपने बच्चों के संग इंसाफ कर सकते हैं, परिवार, समाज, सबके संग इंसाफ कर सकते हैं। तो ये कोर्स ना सिर्फ आपको प्रोफेशनल फ़ायदे देगा, इन प्रोफेशनल कोर्सेज मतलब प्रोफेशनली जो फ़ायदे होने वाले हैं इसकी बात हम आगे करेंगे, इसके साथ ही साथ ये आपकी निजी ज़िंदगी में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाला। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली जी बिल्कुल दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प अस। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। डॉक्टर रुचि तिवारी, इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस कोर्स की मैक्सिमम और मिनिमम ड्यूरेशन क्या है और इसकी जो प्रोसीजर है आप इसको थोड़ा सा प्लीज एलैबोरेट कर देंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा हमारे लर्नर्स के लिए। बिल्कुल मैम, हमारा जो डिप्लोमा कोर्स है ये इसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो वन ईयर की है। वन ईयर में 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है ये कोर्स। और अगर
किसी कारण कोई स्टूडेंट नहीं 1 ईयर में उसे कंप्लीट कर पाता है, तो डिस्टेंस में हमने इसे लॉन्च किया है। तो डिस्टेंस में हमें एक फ़ायदा ये मिलता है कि अगर हम अपने ड्यूरेशन में उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए दिया जाता है जो हमने अपने स्टूडेंट्स को दिया है। तो वो मैक्सिमम जो उसके लिए टाइम पीरियड है इसको ख़त्म करने का वो 2 ईयर्स का है। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर हम कहें कि अभी आपने कितने रखी हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है और हमारे लिए भी क्योंकि वर्कलोड थोड़ा बड़ा है इसको शुरू करने से, तो अभी हमने 50 सीट्स का क्राइटेरिया रखा है। लेकिन अगर इसका अच्छा रिस्पांस मिलता है हमें तो इन फ्यूचर ये सीट्स हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगा हमारे लर्नर्स के लिए भी जो यहाँ से पढ़ रहे हैं और जो बाहर से भी इस कोर्स को करना चाहेंगे। डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, प्लीज़ इस कोर्स को आप थोड़ा सा, इसमें जो आपने पेपर्स वगैरह इंक्लूड किए हैं और किस तरीके से आप इसको मतलब जब ये लॉन्च तो कर ही चुके हैं आप लोग और जो इसमें आपने पेपर्स इंक्लूड किए हैं, प्लीज उसको थोड़ा सा विस्तार से समझा पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसमें जो हमने सिलेक्शन प्रोसेस रखा हुआ है, इसमें जैसा कि मैम ने अभी बताया कि हमने 50 सीट्स इसमें रखी हुई है। एम ए साइकोलॉजी आपको पता चल गया है कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा जब आपके मार्क्स सेम होते हैं, क्योंकि हम अगर हमारे पास ज़्यादा फॉर्म्स यहाँ पर आ जाते हैं और सेम मार्क्स की उसमें, तो जिसने बीएड या स्पेशल बीएड जिसमें किया होगा और साइकोलॉजी के फील्ड में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो हम उन्हें इसमें प्रेफरेंस देंगे। इसके अलावा जो आपने पेपर्स की बात की, तो इसमें पेपर्स में हमारे पास 2 सेमेस्टर हैं। फर्स्ट सेमेस्टर हम इसको DGC के नाम से हम इसे बुला रहे हैं, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो 101 का इसमें पहला पेपर है, जिसमें पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके अलावा जो अगला पेपर है 102, इसमें हम थ्योरीज एंड स्किल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इस पर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, इसका जो नेक्स्ट पेपर हमने इसमें रखा हुआ है। इसके अलावा 104 DGC 104 जो उसका पेपर है, इसमें हम बिहेवियरल और इमोशनल इशूज़ पर हम इसमें बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड कोपिंग स्किल्स, इसको हमने रखा हुआ है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो जान सके कि हमारे व्यवहारात्मक मुद्दे कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से कोप किया जा सकता है उन सभी से। आखिरी जो हमारा पेपर है 106, हमने प्रैक्टिकल रखा है। जितने भी हमारे थ्योरी के पेपर हैं उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे, चाहे वो हमारे बिहेवियरल इशूज़ से रिलेटेड हैं, हमारे और भी जितने भी पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वो हमारे अगले जो हमारा लास्ट पेपर है उसके अंदर आएंगे। जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों ने इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हमने इसमें परीक्षण और परामर्श रखा हुआ है, जैसे कि जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड हम जिनको कहते हैं CWSN, तो इनके लिए हमने इसमें कुछ इसमें पेपर्स रखे हुए हैं। इसके अलावा हमने जो इसके एप्लीकेशन पार्ट पर हमने ध्यान दिया हुआ है, तो निर्देशन एवं परामर्शन के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस जो भी हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा इसमें फिर एक इंटर्नशिप यहाँ पर को हमने सोचा है कि इसमें इंटर्नशिप करवाएंगे, तो इस तरीके से इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है ताकि इसमें सारी चीज़ें कवर हो सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, आप लोगों ने जो पेपर्स कंपाइल किए हैं एक कोर्स में वो तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि लर्नर्स मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्पेशल जो आपने कहा कि स्पेशल किड्स या चिल्ड्रन को आपने भी ध्यान में रखते हुए पेपर्स बनाए या प्रैक्टिकल्स अप्रोच, दैट्स अमेजिंग। डॉक्टर रुचि, जैसे कि मैम ने बताया कि आप इसमें इंटर्नशिप भी रख रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल, किस बिल्कुल, तरीके बिल्कुल, की इंटर्नशिप होगी, कहाँ इसको कर पाएंगे और क्या क्या चीज़ इसमें उभर के आएगी? जी, तो मैं आपको तीनों चीज़ों के बारे में बताती हूँ। अभी तक रिटन जितनी भी हमारे थ्योरी पेपर थे उनके बारे में डॉक्टर भाग्यश्री जोशी ने आपको बताया। अब हमारे इसमें फोर्थ सेमेस्टर में जैसे वर्कशॉप है, हमने कहा कि हम वर्कशॉप रखेंगे, तो हम जो है वो 10 डेज की एक वर्कशॉप रखेंगे ऑफलाइन, जिसमें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम के, वो
फेस टू फेस हमारे साथ रह करके, हमारे साथ जुड़ के वो नए मतलब जितने भी टेस्ट हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, किस तरीके से हम इंटेलिजेंस को मेजर करेंगे, किस तरीके से हम बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को मेजर करेंगे, इमोशनल इश्यूज को किस तरीके से मेजर करेंगे, वो सब वो इस 10 दिन की कार्यशाला में सीखेंगे। और ये जो 10 दिन की वर्कशॉप होगी, उनकी जो 10 दिन की कार्यशाला होगी, उसके बाद उनका एक वाइवा एग्जाम भी होगा। तो ये तो था वर्कशॉप की बात कि उसमें आपका वर्कशॉप होगी, देन आपका फाइल बनेगी और आपका वाइवा होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे जो सेकंड सेमेस्टर आता है, सेकंड सेमेस्टर में हमने दो ऐसी चीज़ें रखी हैं जो फील्ड बेस हैं। जैसे पहला जो हमने रखा है वो है हमारा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में हम हमारा जो स्टूडेंट है, क्योंकि डिस्टेंस का कोर्स है और डिस्टेंस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स लर्नर्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं वर्किंग होते हैं जी, तो उसमें इशू ये आता है कि इतने दिन की वो छुट्टी नहीं ले सकते। तो हमने ये कोशिश की है, हमने एक ज़रिया निकाला है कि हम उन स्टूडेंट्स को वहीं जहाँ पर वो हैं, अभी रहते हैं, या जिस वर्क प्लेस जहाँ पर वो हैं अपने ही एरिया में जा कर के वो इंटर्नशिप कर सकें। अब इंटर्नशिप के लिए हमने कुछ पर्टिकुलर जगह सोची हैं, जैसे कि कोई भी मान्यता प्राप्त विद्यालय जी है ना, इसके अलावा डिग्री कॉलेजेस है ना, जो आपके जिनको मान्यता हो, ठीक है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य संस्थाएं जितनी भी होती हैं, काउंसलर जो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं, इससे ये भी होगा मेरे ख्याल से। तो मुझे ये भी लगता है कि आप जिस एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और वहीं पे अगर इंटर्नशिप करेंगे तो यू कैन वेरी वेल नो द कम्युनिटी। एग्जैक्टली, तो क्योंकि एक प्रेशर नहीं रहेगा लर्नर के ऊपर कि नहीं मुझे वहां जाकर के इंटर्नशिप करनी है, मैं इतनी छुट्टियां कैसे लूंगा। तो उसके लिए हमने एक ये रास्ता निकाला कि ठीक है, कोई भी एनजीओ में जी, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, मेंटल प्रॉब्लम्स में डील करती हो, हॉस्पिटल्स में कर सकता है जी, बस उसको करने का एक ही हमने एक चीज जो हमने एक पर्टिकुलर वो निकाला है कि हम ये चाहते हैं कि आप जिसको भी मेंटोर अपना चूज करें, मेंटर बनाएं जिसको भी, उसका एक बायोडाटा वो आप यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कराएंगे और यूनिवर्सिटी उसको एक बार स्क्रीनिंग करेगी कि हाँ ये पर्टिकुलर जो पर्सन है वो मेंटर के लिए एलिजिबल है या नहीं, नहीं। अगर वो एलिजिबल है तो आप उनके अंडर पे अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। और यही चीज प्रोजेक्ट के लिए भी है कि प्रोजेक्ट जब आप कर रहे हैं तो आपको जो है वो इसी तरीके की प्रोसेस से गुजरना होगा। आपको कुछ सर्टेन टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, उस पर आपको अपनी केस स्टडीज बनानी होंगी और प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो लास्ट में क्या मैम, ये जो आप इंटर्नशिप कराएंगे या प्रोजेक्ट कराएंगे तो इसकी फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मस्ट है, क्योंकि ये भी 100 मार्क्स के पेपर्स हैं। आई थिंक जो प्रोजेक्ट है उनकी तो आई थिंक हाँ, प्रोजेक्ट जो हमारा है वो 300 मार्क्स का है। okay. जो हम डिसर्टेशन की बात कर रहे हैं वो 300 मार्क्स का है, और इंटर्नशिप जो है वो हमारी 200 मार्क्स की है। okay. तो उसकी पूरी रिपोर्टिंग जाएगी। जैसे मैंने कहा कि किसी स्कूल में अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में, तो आपको वहाँ के प्रिंसिपल से एक लेटर बकायदा आपको ला के देना पड़ेगा उनके साइन और मोहर के साथ कि आप इस स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या रहा। बिल्कुल हाँ, उनको पूरा प्रोजेक्ट उस पर जो वहाँ पर वो करेंगे, मान लीजिए स्कूल में है और एजुकेशनल वोकेशनल काउंसलिंग पर वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उसका पूरा वो रिपोर्ट बना करके प्रोजेक्ट फॉर्म में एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और ये मतलब हम ये कहें कि इसमें प्रेजेंटेशन भी होगी क्या मैम? बिल्कुल, जो जो इंटर्न जो आपका डिसर्टेशन है वो उसमें एक प्रेजेंटेशन होगी जिसमें एक्सटर्नल भी हमारे इंक्लूड होंगे, एक्सटर्नल एक्सपर्ट के सामने जो भी आप केस स्टडी बना के लाते हैं उसमें कुछ केस स्टडीज का ही वो रहेगा कि पर्टिकुलर इन इन टॉपिक्स पे आपको बनाना है। तो स्मॉल रिसर्च है, लघु शोध हम कहते हैं जिसे, तो क्या रिजल्ट रहा, कैसे किया, कौन सी टेक्निक यूज की, ये सारी चीजें एक वाइवा के इंक्लूड होंगी जी। डॉक्टर भाग्यश्री जोशी, जैसे कि आप लोगों ने बहुत मेहनत और बहुत अच्छी यूनिट्स और बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया है इस प्रोग्राम के लिए, तो प्लीज़ जैसे अब इस प्रोग्राम के कंक्लूजन की ओर हम आ रहे हैं, कंक्लूड करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स
थोड़ा सा जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसा कि आप जानते हैं मैंने शुरुआत में कहा कि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही फायदे इसमें हैं। तो प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो इस कोर्स को करने के बाद आप किसी स्कूल में एज अ एजुकेशनल और वोकेशनल काउंसलर काम कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा आप मैरिटल काउंसलिंग है, फैमिली काउंसलिंग है, ये सब कुछ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपना खुद का एक काउंसलिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लिनिकल सेटिंग में काम नहीं कर सकते क्योंकि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं है और क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स नहीं है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस आप इसमें नहीं कर सकते, क्लिनिकल सेटिंग में आप काम नहीं कर सकते। उसके अलावा आपके जो परिवार से, समाज से जुड़े हुए अन्य मुद्दे हैं, आपकी शिक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर आप काम कर सकते हैं। आप किसी संस्थान से जुड़ सकते हैं, आप एनजीओ से जुड़ सकते हैं, आप स्कूल से जुड़ सकते हैं, आप अपना खुद का काउंसलिंग सेंटर खोल सकते हैं। तो इस तरीके से, इसके अलावा आप काउंसलर्स काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम इट इज एक्चुअली, इट हैज गॉट वर्सेटिलिटी। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को इतना अच्छा डेवलप किया और इसको इतना बखूबी, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि बहुत आगे बढ़ेगा आपका डिप्लोमा कोर्स। आप मेरी तरफ से आपके लिए, आपको इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए मैनी मैनी बेस्ट विशेस। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को यहीं पे क्लोज करते हैं या कंक्लूड करते हैं, और इसी तरीके के छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम आइंदा भी लेके आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप सबका धन्यवाद। थैंक यू लर्नर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच।